नहीं, एक बात बताओ, आपकी लाइफ का वैल्यू है और उन लोगों की लाइफ लाइफ नहीं है। तो दोस्तों, आई एम ज्योति एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल ट्रेन लवर्स। एंड आज इस वीडियो के अंदर में स्ट्रीट डॉग्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से, रेल फैनों से, सभी लोगों से। वो स्ट्रीट डॉग्स जो रेलवे ट्रैक के आसपास रहते हैं। सो वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, आप समझ रहे हो। वीडियो को कीजिए एक लाइक, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को कीजिए शेयर। मेरे चैनल ट्रेन लवर्स पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड उसके बाजू में जो घंटा है घंटे को दबा दो, क्योंकि मैं ट्रेन से रिलेटेड ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसा है कि दो दिन पहले मैं अभी जिस स्टेशन पर बैठा हूँ, डानकुनी, ये डानकुनी स्टेशन, दो दिन पहले मैं इसी स्टेशन की थोड़ा सा स्टेशन से रिलेटेड थोड़ा दूर गया था क्लिप्स लेने ट्रेन की। तो उधर मैंने देखा एक स्ट्रीट डॉग मेरे सामने, मेरे ठीक आंखों से मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ था, वो मर गया था स्पॉट पे ट्रेन के नीचे कुचल गए। तो वो सीन देख के मेरे को बहुत बुरा लगा, एंड ठीक इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, स्ट्रीट डॉग वर्सेस ट्रेन। तो ठीक इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ एंड रेल फैन को भी कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप लोग देखिए, आप लोगों के सामने, आप लोगों में से 90% लोग हमेशा ही रेल में सफ़र करते हो एंड ट्रेन के ट्रैक्स पर देखते हो कि डॉग्स घूमती रहती है। डॉग्स स्पेशली उनके बच्चे, छोटे छोटे जो कब्स होते हैं ना उनके, तो वो तो अबला अजीब है, आप जानते हो, उनको कुछ नहीं आता, बोलना नहीं आता उसको, उनको दिमाग भी उतना नहीं है उनके। सो आप लोग से मेरा गुजारा है कि आपके नज़र में अगर ये पड़े, ये कुछ इस तरह के बात की डॉग्स वो रेलवे ट्रैक के अंदर, ट्रैक के ऊपर आ गए एंड सामने से ट्रेन आ रहा है, तो आप प्लीज़ जो मुंह से थोड़ा आवाज़ करके उनको हटा देना, ठीक है। अब सबसे बुरा तब लगता है कि इस वीडियो, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो का थंबनेल में जब मेरे व्हाट्सएप पे अपलोड किया था, सो मेरा एक दोस्त बोल रहा था मुझसे कि मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझसे बोल रहा था कि भाई तुझे क्या है। सो मैंने तब उसे बोला कि देखो भाई, तुम्हारी जान जान है, उसका जान जान नहीं है, उसका जान कभी उतना ही वैल्यू है जो तुम्हारे जान कभी वैल्यू है, ठीक है। तो प्लीज़ ये सब मत बोलो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसको भी बोला सर, अगर तुम्हारी काबिलियत हो तो तुम प्लीज़ उनको हिफाजत करना, उनको उनका देखभाल करना, देखभाल नहीं कर सकते ठीक है, तो मुँह से थोड़ा आवाज़ करके उनको रेलवे ट्रैक से हटा देना, ताकि उनका जान बच सके, ठीक है। एंड मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मुझे पता है मेरे जो रेल फैन भाई है वो ये काम करेंगे 100%, उनको लेकर मेरा कोई डाउट नहीं है। लेकिन अदर जो लोग मेरे ये वीडियो देख रहा है, तो उनको भी मैं कह रहा हूँ, देखिए भाई, सिर्फ डॉग्स की बात नहीं है, बहुत सारे कैटल्स हैं। जैसे कुछ दिन पहले अलीपुर द्वार में एक वो ट्रेन ने एक हाथी को टक्कर मार दिया था, तो वो हाथी 2 या 3 दिन के बाद मर गया था, मुझे बहुत बुरा लगा था देख के। वो जब YouTube पे वो वीडियो, YouTube पे फोटो आया था कि हाथी मर गया, तो वो फोटो देख के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो उनको तो मैं नहीं बचा सकता, लेकिन इन डॉग्स को आज चलिए मैं आपको अब कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ, 2-3 क्लिप्स देखा था, मैंने खुद एक डॉग को इस तरह से हटाया है। सो चलिए वो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, चलिए। देखिए दोस्तों, मैं मेनली इन सारे डॉग्स के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। आप जब जाते हो ना आरएफ करने या कुछ और करने रेलवे के आसपास, और उन सब लोगों को भी मैं कह रहा हूँ, देखिए इन सब डॉग्स, सो प्लीज़ आपके नज़र में अगर पड़े कि इन सब डॉग्स रेलवे ट्रैक के ऊपर आ गए, तो आप प्लीज़ मुंह से थोड़ा आवाज़ करके इन लोगों को रेलवे ट्रैक से हटा देना प्लीज़। सो इनसे उनका भी भला हो जाएगा एंड आपका भी भला हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, देखिए ये अबला अजीब है, तो प्लीज़ कोई भी लोग इन पर प्लीज़ पत्थर मत मारिएगा प्लीज़, बहुत बुरा लगता है, कितना क्यूट लग रहा है देख रही है आप, प्लीज़ इन पर कोई पत्थर नहीं मारिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, देखिए ये बात मैं स्पेशली गर्ल्स को कह रहा हूँ,
कि आप लोग ऐसे भागते रहते हो ना डॉग्स को देख के, तो प्लीज ऐसे मत भागिए, वो आपको कुछ भी नहीं करेंगे। जो काटता है, जो डॉग्स काटता है, वो डॉग अलग किस्म के होते हैं, वो देखने पर पता चलता है कि ये डॉग का कुछ अलग सा कनेक्शन ही आपको काट सकता है, लेकिन डॉग्स स्पेशली डॉग्स कुछ नहीं कहते। सो मैं यही कहना था कि अगर पॉसिबल हो तो प्लीज, आप देख रहे हो कि रेलवे ट्रैक पर कोई उनका बच्चा आ गया है, डॉग्स नहीं, डॉग्स को तो ठीक है, डॉग्स को फिर भी ये डॉग्स को फिर भी पता होता है कि मैं ट्रेन आने पर डॉग्स अपने आप हट जाते, लेकिन उनके छोटे छोटे बच्चे, मैंने जो किसी बड़े जंक्शन पे, हावड़ा जंक्शन, शियालदा जंक्शन, मैंने देखा है, आप लोगों को भी देखना कि बहुत सारे डॉग्स के बच्चे आ जाते हैं रेलवे के ट्रैक पे। तो प्लीज आपके नजर में अगर पड़े तो आप प्लीज उनको हटा देना ट्रैक से, हाथ से नहीं, मुंह से आवाज करके हटा सकते, तो ऐसे करके हटा देना, तो उनका कुछ भला हो जाएगा एंड आपका भी भला हो जाएगा, आपका दिल को बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने एक डॉग का जान बचाया। तो दोस्तों एंड गर्ल्स को मैं कह रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए, वो आपको कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वो बहुत ही अच्छे एनिमल्स है, बहुत अच्छा पेट है डॉग्स। तो यही था, तो दोस्तों ये वीडियो बस इतना ही था, आई होप आपको बहुत पसंद आया है एंड मैंने आपसे जो बोला सो उसको मेंटेन करने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से। एंड वीडियो सच में पसंद आती है तो वीडियो को कीजिए एक लाइक प्लीज, आप अगर लाइक करते हो तो अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन हमें मिलती है क्रिएटर्स को। एंड फ्रेंड्स के साथ खूब खूब शेयर कीजिए वीडियो को एंड फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है एंड स्क्रीन पे आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा एंड इस आईडी को इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर दो क्योंकि मैं इधर ट्रेन के रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो मैं आपसे फिर से मिलूंगा एक ब्रांड न्यू शूटिंग ब्लॉग के साथ, ट्रेन ब्लॉग, तो तब तक के लिए अलविदा, गॉड ब्लेस, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।